मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौरी चंद सिंह जी को याद करता हूं। चौरी चंद सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो, चौरी चंद सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थीं, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस स्टोरी को क्या नाम देंगे? पहले तो यूपी के लड़के थे, बबुआ भतीजे थे, अब इस स्टोरी को क्या नाम देंगे? ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं। लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। सर, जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से, जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें, बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे उसको ऐसे ना दें। ये जयंत चौधरी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी के से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव को इस बात को देंगे।